मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 1 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। इससे पहले वित्त और वाणिज्य कर मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पर सुझाव ले रहे हैं। बुधवार को भोपाल के प्रशासन अकादमी में बजट पर संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें व्यापारी, उद्योगपति और समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बजट पर संवाद कार्यक्रम में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सभी विशेषज्ञों को संबोधित किया। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि जितने भी सुझाव आए हैं उनमें से महत्वपूर्ण सुझाव को बजट में लेंगे। कम से कम खर्चा हो, इसका ध्यान बजट में रखा जाएगा। इंदिरा गांधी पेंशन योजना में पेंशन बंद करने पर वित्त मंत्री ने कहा कि कांग्रेस कब से कह रही है कि योजनाएं बंद होंगी। कमलनाथ जब मुख्यमंत्री बने तब योजनाओं को बंद किया गया था। जितनी भी योजनाएं चल रही थी, हम कोई भी योजना बंद नहीं करेंगे। यदि पेंशन में कोई गड़बड़ी हुई है तो उस पर ध्यान दिया जाएगा। नहीं, मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का बजट पर कोई प्रभाव पड़ेगा। और जितनी योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से जो चल रही थी वो सारी योजनाएं मुझे लगता है यथावत सब योजनाएं चलेगी। कोई बजट की कमी मुझे नहीं लग रहा है कि आएगी। इसके बारे में विचार विमर्श करेंगे और बात करेंगे। बहुत सारे कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में मुझे लगता है कि बहुत सारगर्भित सुझाव उनके आए हैं। और अभी हमारे बहुत सारे विषय विशेषज्ञों का अभी मार्गदर्शन उसमें मिलना बाकी है। और मुझे लगता है कि जितने भी सुझाव आए हैं महत्वपूर्ण सुझावों को हम बजट में सम्मिलित करने का पूरा प्रयास करेंगे, ताकि मध्य प्रदेश सरकार का बजट जो बेहतर से बेहतर हो सकता है जनता के लिए वो हम उसमें रखेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।